भगवान का शुक्र है कि हमने थार नहीं ली भाई, स्कॉर्पियो इस मामले में एकदम परफेक्ट चॉइस थी हमारे लिए। What's up people, welcome to another video and आज nothing special, बस वीकेंड है वही स्पेशल है और हम जा रहे हैं कुछ खाने पीने। What's up? कैमरा शाय है लड़का, हमारा लड़का कैमरा शाय है। पनीर खाना है। सो बैक टू बैक पार्किंग का यही इशू है, एक कार निकालनी पड़ती है तब जाके दूसरी गाड़ी निकलती है, बट कोई नहीं, यूज टू है हम तो इस चीज़ के लिए। पहले पुरानी गाड़ी थी तो ये करना पड़ता था हमें। एनीवे वहाँ हमने होंडा सिटी आगे पार्क कर दिया एंड दिस इज आवर बेबी स्कॉर्पियो। एंड मैंने एक सफाई वाला लगा दिया है, स्पेशल किसी कंपनी से हमने लगवाया है, बिकॉज यार ये गाड़ी थोड़ी सी दिल को यू नो ज़्यादा प्यारी है तो इसके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट। बट ये रिबन मैं उतारना भूल गया, रुद्र बाबा हाई कर रहे हैं। ये रिबन बहुत दिनों से मेरे दिमाग में था कि निकालना है, बट मैं सीजर्स लाना भूल जाता हूँ हमेशा, बट कोई नहीं। हाय रुद्र, बाय द वे नंबर मेरा आ चुका है बट नंबर प्लेट नहीं आई है तो उसका वेट है अभी। लेट्स गो। हाँ जी आगे बैठ गया, इसको इतना समझाया मैंने भाई पीछे बैठ बट नहीं मानता, कह रहे पीछे मुझे डर लगेगा। हर हर महादेव। ये पूरा इंप्रेस कर रहा है, इसको आगे बैठना है। क्लैप एवरीवन, क्लैप एवरीवन। एक्चुअली हमने बड़ा समझाया कि भाई तू पीछे बैठ, बिकॉज आगे ये छेड़ता रहता है सिस्टम और यहाँ पे एक इसका 4x4 का सिस्टम यही हाथ के पास ही है तो इसकी बहुत इजी एक्सेस है, तो आई वांट टू अवॉइड दैट सिचुएशन कि कहीं चलती हुई गाड़ी में ये कर दे। रुद्र, डू यू लाइक स्कॉर्पियो? Yes, we love Scorpio. पहले हम एक जमाने में थार भी बुक करा के बैठे थे by the way, and जो थार की एक 4x2 वाला एक आया था ऑप्शन, भगवान का शुक्र है कि हमने थार नहीं ली भाई। एक्चुअली बिल्कुल भी प्रैक्टिकल गाड़ी नहीं है मेरे हिसाब से, शौकिया गाड़ी है, शौकीन गाड़ी है, बट एज अ फैमिली कार मतलब ही नहीं यार, तो स्कॉर्पियो इस मामले में एकदम परफेक्ट चॉइस थी हमारे लिए। एनीवे मौसम अंदर से अच्छा लग रहा है बट भाई गर्मी बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री का आजकल चल रहा है टेम्परेचर दिल्ली और NCR में, बट कोई नहीं, वीकेंड है। कार आई है, कौन सी कार थी वो उस दिन आपने देखी थी? 3XO। आजकल इस लड़के को भी बड़ा शौक हो गया कार्स का, और आसपास की सारी कार्स के इसको गाड़ियों के नाम याद कर रखे हैं। Can't wait to go on a trip and actually हम plan कर रहे हैं जून में, इस छोटू का birthday है and इस छोटू के birthday पे we are planning a trip. Rudra, you want to go on a holiday? Yes. So जल्दी वो भी plan करेंगे and then August में एक long weekend आएगा जब मेरा birthday है। कहाँ चलोगी? जहाँ please है। मेरा दोनों तो नहीं चला गए, इन दोनों के बर्थडे पे हम कहीं जाते हैं घूमने, मेरे बर्थडे पे नहीं जाते हैं घूमने। अभी इनके बर्थडे गया है तो हम उसमें नोएडा घूमे बस। गिफ्ट ऑन दिस बर्थडे। यस, इससे अच्छा गिफ्ट और क्या मिल सकता है? स्कॉर्पियो है, ये चलाई नहीं है अभी तक मैंने, गिफ्ट मेरा है लेकिन मैं पीछे बैठे हुए मिल रहा है मुझे। अब चला सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं ऑफकोर्स, बट आपने अपनी मर्जी से नहीं चलाई भाई, मैंने कुछ नहीं बोला था, अभी टाइम ही नहीं मिला। एक्चुअली सही बता रहा हूँ, इतना हमने ड्राइव करा ही नहीं है। एक्चुअली तब मेरे को चलाने को ज्यादा मिलेगा, तब रुद्र का स्कूल स्टार्ट होगा, और मैं पर्सनली इस कार को रोज ऑफिस शायद नहीं लेके जाऊंगा, मेरा ऑफिस है दिल्ली में तो यार ट्रैफिक इतना ज्यादा होता है कि इस कार को मैं शायद अवॉइड ही करूंगा, बट लेट्स सी, मतलब पक्का नहीं है बट। मैंने रुद्र को बोला था कि रुद्र मम्मा होंडा ले लेंगी और पापा स्कॉर्पियो ऑफिस लेके जाएंगे, तो इसने साफ मना कर दिया है, बोला कि नहीं मुझे स्कॉर्पियो से लेना है। इसे भाई को पिक एंड ड्रॉप चाहिए स्कॉर्पियो में, तो होंडा और स्कॉर्पियो फॉर स्कूल, टेल मी। अच्छा, एक आदमी स्कॉर्पियो से ड्रॉप करेगा, इसको मतलब यही है कि मैं इसको ड्रॉप करता हुआ, एक्चुअली मैं इसको ड्रॉप करता हुआ ऑफिस जाता हूँ, तो ये कह रहा है कि होंडा लेके जाइए भाई बाबू और स्कॉर्पियो घर पे रहेगी। अच्छा, दैट्स द लॉजिक मैम, डीप डीप। सो एनीवे अगस्त में मेरा बड़ा मन है, कुछ लंबा प्लान करेंगे एंड हमारे पास थोड़ा छुट्टियां भी होंगी, जॉब वाले बंदे हैं तो छुट्टियां चाहिए, तो वी माइट प्लान फॉर लद्दाख और मनाली, समथिंग लाइक दैट, तो कुछ करेंगे, ठीक है? Done. कुछ बड़ा ही प्लान करेंगे, अच्छा 6-7 दिन का ट्रिप प्लान करेंगे एंड ये गाड़ी ली है 4x4 ली है तो भाई कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो इसका इसको मतलब वो होता है ना, इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। डू यू लाइक महिंद्रा और महिंद्रा थार और स्कॉर्पियो? टेल मी। दोनों बोथ? यस। ठीक है, आपके लिए हम थार लेके आएंगे बाद में, ठीक है?
अब भाई नोएडा में भी ना ट्रैफिक होना शुरू हो चुका है बहुत ज्यादा. नोएडा बहुत चौक हो चुका है. अभी ग्रेटर नोएडा ठीक है बट नोएडा दिल्ली बन चुका है भाई. अभी ट्रैफिक है, सैटरडे इवनिंग है, टाइम अराउंड 7:30 हो रहा है और ये हाल है. भाई साहब खतरनाक खाना है. चौकी धानी जो जयपुर में है वो फेल है इसके सामने. दाल बाटी चूरमा, दाल गट्टे की सब्जी, पनीर भी प्लेट की हालत थोड़ी ख़राब हो चुकी है. बहुत पेल के खा चुका हूँ. छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी पूड़ियाँ, बाजरे की रोटी, एक बाजरे की खिचड़ी थी वो मैं पेल चुका हूँ. दही भल्ले, आम रस वन ऑफ दी बेस्ट, ये अच्छा है. चटनियाँ अच्छी हैं, ये खीर है और क्या है और बहुत कुछ है भाई. हलवा है, अनलिमिटेड फूड है. एंड यहाँ पे राजस्थानी कैप्स भी हैं, इनको पहन के आप खाना खा सकते हैं और वीडियोस एंड फोटोज भी बनवा सकते हैं. सो गाइस जस्ट लीविंग फ्रॉम दिस प्लेस. घूमर रेस्टोरेंट, राजस्थानी थीम है, राजस्थानी खाना है तो अच्छा था. वी लव द फूड एंड बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा खा गया मैं तो बस दिल में एक वो रह गया और कुछ खा लेता बट वो होता ही है बुफे में. गुड फूड, रिकमेंडेड, यू कैन ट्राई दिस प्लेस. एंड घूमर का दिल्ली में भी इनकी कुछ चेन है, कुछ इनके और आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, तो यू कैन ट्राई देयर इन दिल्ली एज़ वेल. This place, Sector 104, seems like a nice place. They have a lot of restaurants here. हम first time आए and यहाँ गाड़ी मैंने अपनी ना road पे खड़ी करी थी. मेरा दिल धक धक से हो रहा था. First time ऐसे हमने खड़ी करी है. तो यह सभी चलते हैं. रुद्र, how was the food? It was good. Especially खीर was very nice. खीर was एकदम homemade type लग रहा था. केसर वाली थी. आमरस was nice. मैंने एक दो glass पिया, दो तीन glass पिया तो अच्छा था. और ओवरऑल मतलब वेरी बेसिक फूड, वेरी सिंपल फूड बट गुड. पेट भर गया हमारा अच्छे से. आपने गेमिंग में नहीं लिया, मुझसे गलती हुई है. इसको एक गेमिंग जोन में जाना था बट वो बंद हो गया. रुद्र अब क्या करें बेटा. इसको लग रहा है गेमिंग में जाना था बट मुझे लेके यहाँ पे घूमर में खाना खिलाने. राजस्थान को ही तोड़ देगा इतना गुस्सा. ओ जाट बुद्धि. आपने तो बड़े फोटो तो बड़े खिंचाए वो अंकल जी, वो इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं. पूरा वो जो चौकी धानी है ना जयपुर में, पूरा वही फील, वही थीम है. तो अब वहाँ जाने की हमें जरूरत ही नहीं है. हाइजीनिक एंड स्टिल बेटर फूड देन चौकी धानी मेरे हिसाब से. सो चलिए चलते हैं. बट ट्रैफिक एज यूजुअल. अब ग्रेटर नोएडा में रहकर ना ट्रैफिक की हैबिट जीरो हो गई है. नोएडा और दिल्ली का थोड़ा हाल बुरा है. रुद, ये तू क्या कर रहा है बेटा? के पापा का है ना? नहीं.